कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल एक विक्षेपक बल या डिफ्लेक्टिव फोर्स है जिसका सोर्स है रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के घूर्णन या आवर्तन की वजह से ये बल पैदा होता है। जैसा कि हम वीडियो से देख पा रहे हैं और जैसा कि हम जानते भी हैं कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, यानी कि जो हमारी रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो ईस्ट वार्ड है। इसी रोटेशन की वजह से सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड या पवन, वाटर या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट अपने सीधे रास्ते पर नहीं रह पाता बल्कि अपने डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। ऐसे ही कोरियोलिस फोर्स हमारी अर्थ के रोटेशन के समय पृथ्वी पर लागू होता है, लेकिन हमें तो ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हमने कोई चीज़ थ्रो करी हो और वो हमारे राइट में जाकर गिरी हो या लेफ्ट में जाकर गिरी हो। लेकिन क्या कभी हमको अर्थ का रोटेशन या रिवोल्यूशन महसूस हुआ है? आई थिंक नो, कभी नहीं। कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट का सबसे पहले एक्सप्लेनेशन फ्रेंच मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर एंड साइंटिस्ट गैस्पर्ड गुस्टेव डी कोरियोलिस ने 1835 में दिया था। इन्हीं के नाम से इस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स के रूप में जानते हैं। वेट, ही हैज़ अ मैसेज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज जीजी कोरियोलिस एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस जूनियर ज्योग्राफर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोरियोलिस फोर्स किस तरह से काम करता है ये हम इस एक्सपेरिमेंट के साथ देख सकते हैं। हमारे पास ये फ़िलहाल दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ए विच इज़ नॉन रोटेटिंग यानी कि ये नहीं घूम रहा है फिलहाल, और प्लेटफॉर्म बी विच इज़ रोटेटिंग जो कि घूम रहा है। तो प्लेटफॉर्म ए पर ये दो बंदे बैठे हैं, वन एंड टू। बंदा वन अगर कोई बॉल बंदे टू की ओर थ्रो करता है तो ये जो बॉल होगी सीधी बंदे ए के पास जाएगी। ठीक, अब आते हैं सिनेरियो टू पर, यानी केस टू, यानी जिसमें कि प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि अगर ये प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है यानी कि इस तरह से घूम रहा है, तो अगर ये बंदा सेकंड बंदे को बॉल थ्रो करता है तो बॉल सीधे इस बंदे के पास ना जाकर अपने राइट की ओर जाकर गिर जाएगी इन दिस वे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कोरियोलिस फोर्स वर्क। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सभी मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी राइट मींस दिस वे राइट या दाई ओर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में या सदर्न हेमिस्फेयर में सभी मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी लेफ्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग इन दिस डायरेक्शन वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने लेफ्ट डायरेक्शन की ओर। कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट की इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर वैल्यू जीरो होती है, जीरो, इट हैज नो वैल्यू ऑन इक्वेटर और विषुवत रेखा, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। चलिए कोरियोलिस फोर्स और पोलवार्ड मूवमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो हम इस ग्राफिक्स के हेल्प से जान सकते हैं। सपोज हमारे पास तीन प्लेन है, एक प्लेन हमारे पास जो है वो इक्वेटर पर है, दूसरा मिड लैटिट्यूड पर है और तीसरा हायर लैटिट्यूड पर है। ये तीनों की डेस्टिनेशन है 1, 2 एंड 3। सपोज अगर हमारे पास फर्स्ट इमेज के अंदर देर इज नो कोरियोलिस फोर्स, तो जो ये तीनों ही प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पहुंच जाएंगे, पर जब रियल लाइफ में डिफ्लेक्शन होगा तो देखिए क्या होता है। जो इक्वेटर पर प्लेन मूव कर रहा है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है इसलिए वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। अब जो हमारा ये मिड लैटिट्यूड है इसमें डिफ्लेक्शन
इक्वेटर के मुकाबले ज़्यादा है लेकिन हायर लेटीट्यूड के मुकाबले कम है, तो इसलिए जो डिफ्लेक्शन होगा राइट की ओर लेकिन थोड़ा कम होगा अगर हम कंपेयर करें हायर लेटीट्यूड से, जो कि हम देख पा रहे हैं डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। कोरियोलिस फोर्स की नॉलेज होना कितना ज़रूरी है ये हम जानते हैं जब हम स्टडी करते हैं साइक्लोन्स, एयर बेल्ट्स या वायुदाब पेटी और ओशन करंट्स के बारे में। सो गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब जूनियर ज्योग्राफर यूट्यूब चैनल एंड स्टे सेफ।